सो या गाइस, इस व्लॉग में हम जा रहे हैं दिल्ली। आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा, हम पंचवाड़ी गए थे, तो इस व्लॉग में हम दिल्ली जा रहे हैं। तो मैं हूँ और कुछ फ्रेंड्स हैं, तो आगे आपको बताता हूँ। अभी फिलहाल हम इंदौर से बैठ चुके हैं ट्रेन में, ट्रेन के थ्रू जा रहे हैं। तो हाँ, व्लॉग को लास्ट तक देखना, और कुछ और व्लॉग आएंगे आगे तो उनको भी ज़रूर देखना। बस फाइनली हम 13 घंटे की लंबी जर्नी के बाद, ट्रेन की जर्नी के बाद हम पहुंच चुके थे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। और मॉर्निंग का जो टाइम हुआ था, समथिंग 7 बज चुके थे। तो हमको जाना था करोल बाग, जो कि मार्केट ओपन नहीं हुआ था मॉर्निंग में। बट उसका आइडिया हमें नहीं था कि इतनी जल्दी मार्केट ओपन नहीं होगा, फिर भी हम वहां पर पहुंच चुके थे करोल बाग। करोल बाग जाने के बाद हमको पता चला, तो फिर हमें कहीं और भी जाना था, तो हमने करोल बाग मेट्रो स्टेशन से हम गए। अभी तक का हमारा जो दिल्ली का एक्सपीरियंस था काफ़ी अच्छा था, और मेट्रो का भी जो एक्सपीरियंस था अभी तक तो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि इवन हम पहली बार मेट्रो में गए हुए थे, लाइक दिल्ली पहली बार फर्स्ट टाइम विज़िट किया था हमने। कुछ काम था, बिज़नेस रिलेटेड स्टार्ट कर रहे थे एक बिज़नेस, उस टाइम पर हम गए थे। तो जो एक्सपीरियंस था ना, काफ़ी अच्छा था अभी तक का। बट आगे का एक्सपीरियंस आप वीडियो को उसके लिए आगे तक देखिए। देन हम गए वहाँ से पालिका मार्केट। पालिका मार्केट में जाने के बाद हमने लाइक जस्ट थोड़ा बहुत दिल्ली को एक्सप्लोर किया, घूमा कि दिल्ली कैसा है। और जिसके बाद हम पालिका मार्केट के और पालिका मार्केट के ही जस्ट ऊपर जो राजीव गांधी चौक है, वहाँ पर भी काफ़ी एक अच्छा मार्केट है, वह हमने एक्सप्लोर किया थोड़ा बहुत वहीं पर। जस्ट राजीव चौक, जो भी नाम है, एग्जैक्ट मुझे नाम अभी नहीं याद आ रहा है, बट हाँ पालिका मार्केट है, उसके साथ वही मार्केट एक्सप्लोर किया। सो गाइस, करंटली वी आर एट जंतर मंतर पैलेस, एंड द प्लेस इज़ लिटरली ऑसम, यू कैन सी। और आपको और भी काफ़ी सारे वीडियोज़ यूट्यूब पर मिल जाएंगे, और आप यार एक बार ज़रूर आइए, बहुत अमेजिंग प्लेस है। और फिलहाल तो अभी जस्ट शुरू किया है, आगे आगे देखो जस्ट। एंड गाइस, यह है, दिस इज़ समथिंग अमेजिंग, मतलब बहुत मस्त चीज़ है, क्या एक्चुअल में मुझे पता नहीं है। एंड इसके जस्ट पास में जो यह चीज़ है, यह आपको मैं बता देता हूँ। यह यहाँ पर मेंशन है कि प्लान है लाइक कनेक्टिंग प्लेटफॉर्म्स, तो आप चेक कर सकते हैं, सब कुछ इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और एक जो सेक्शन विभाग है, जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया, एंड इसमें सन लाइक सूर्य के थ्रू बताया भी गया है कि किस प्रकार से 45 डिग्री अगर होता है तो कुछ टाइम सेक्शंस में किस प्रकार से पहले के लाइक एंशियंट टाइम में इससे पता चलता था कि एक्चुअली टाइम क्या हो रहा है। और अगर आप देखते हो ना, तो बना हुआ भी बहुत मस्त है। तो एक बार अगर आप दिल्ली में ही हो तो आपने ज़रूर देखा ही होगा, और अगर आपने बाहर से भी हो तो काफ़ी लोगों ने देखा हुआ है। एंड एक बार हाँ, आप ज़रूर आ सकते हैं। तो एक बार अगर आप नहीं आए तो यार घूमना चाहिए, तो एक बार ज़रूर आना। उसके बाद गाइज, हम गए थे गुरुद्वारा, जहाँ पर काफ़ी शांति भी थी और काफ़ी मज़ा भी आया, क्योंकि यार वहाँ का जो माहौल होता है, जो पॉजिटिव वाइब्स होती है ना, उसमें रियली हमें काफ़ी मज़ा आया। और भी काफ़ी जगह हम घूमे दिल्ली में, तो वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर पता चलेगा। तो उसके लिए आप वीडियो को जो है सब्सक्राइब वगैरह चैनल को ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।